चीता अपनी चाल के लिए ही पूरी दुनिया में मशहूर है। यह पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों से तेज होता है। आप इसे दौड़ता हुआ देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह सचमुच हवा से बात करता है। आखिर ऐसी क्या खास बात है चीते में जो ये इतनी तेज दौड़ लगा लेता है? क्यों आखिरकार इसे कोई भी जानवर हरा नहीं पाता? आज के इस वीडियो में हम करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि चीता इतनी तेज कैसे दौड़ लगा लेता है। इसके पहले जानते हैं आखिरकार भारत से चीता कब और कैसे विलुप्त हो गया, कुनू नेशनल पार्क में ही किस लिए लाया गया। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। चीता बहुत ही खूबसूरत और शानदार जीव है। बड़ी बिल्लियों के परिवार का यह सदस्य दूसरी बड़ी बिल्लियों के मुकाबले बेहद कमजोर होता है, लेकिन उन सभी के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला और चालाक होता है। कई वर्षों पहले पूरी दुनिया में यह जीव पाया जाता था, लेकिन पर्यावरण में बदलाव और शिकार के चलते इसकी संख्या में भारी गिरावट आने लगी। इसी वजह से चीता पूरी दुनिया से विलुप्त होने लगा। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो भारत में राजा महाराजा चीते को पालकर उनका उपयोग शिकार करने में किया करते थे। चीते को बंधक बनाकर रखने की वजह से उनके प्रजनन पर काफी फर्क पड़ा और इनकी आबादी में भारी गिरावट आई और जो बचे हुए चीता थे उनका शिकार कर लिया गया। कहा जाता है कि आखिरी तीन चीते का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में शिकार कर उन्हें मार गिराया था। साल 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश में चीते को विलुप्त होने की घोषणा की थी। 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा वापस चीते को भारत लाने की मांग की गई, जो 2022 में पूरी हो पाई है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन्मदिन के मौके पर अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीते को कोनू नेशनल पार्क में आजाद किया। अब ये यहाँ रहकर अपनी आबादी बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनू नदी के किनारे पर है कुनू पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ चीते के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह इसलिए माना जाता है क्योंकि इस सेंचुरी के आसपास इंसानों की आबादी बेहद कम है। साथ ही यहाँ चीते के खाने के लिए काफी मात्रा में दूसरे जीव हैं। साथ ही पानी की भी कमी नहीं है, मतलब इस सेंचुरी में चीते को खाने और पानी की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा माना जा रहा है कि चीते यहाँ आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। इसी वजह से चीते के लिए कुनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का चुनाव किया गया है। अब बात कर लेते हैं चीता इतनी तेज कैसे दौड़ता है और यह शिकार करने में कितना माहिर होता है। अपने बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाने जाने वाला यह जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन अब यह भारत के कोनू नेशनल पार्क में भी देखा जा सकता है। चीता बड़ी बिल्लियों के परिवार का ही एक सदस्य है, लेकिन सभी बड़ी बिल्लियों और इसमें एक बड़ा फर्क है कि यह दहाड़ नहीं सकता, यानी इसकी आवाज से तो कोई नहीं डरेगा, लेकिन इसकी रफ्तार से सबको डरना पड़ता है। हिरण और दूसरे जानवरों को दूसरे शिकारी जानवरों के सामने अपनी तेज स्पीड का फायदा मिलता है, लेकिन चीते के सामने उनकी यह काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितनी तेज दौड़ता है। आपको एक और हैरानी की बात बताता हूँ, चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3 सेकंड में पूरी कर लेता है। हालांकि यह इस स्पीड में हमेशा नहीं भागता। इसकी सामान्य दौड़ने की स्पीड 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, लेकिन यह अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कभी कभी ही करता है। यह ज्यादा देर तक नहीं दौड़ता क्योंकि इसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही अपने शिकार तक पहुंच जाता है, फिर बेवजह ज्यादा दौड़ने की मेहनत क्यों करना। इसकी शारीरिक बनावट इन्हें सुपर फास्ट बनाने में बड़ा अहम रोल निभाती है। यह अपने शरीर की तुलना में बहुत ही कम वजन का होता है, यानी इसका शरीर बहुत हल्का होता है और इसलिए यह बड़ी आसानी से भाग लेता है। बात करें इसकी हाइट की तो यह 3.2 फीट ऊंचे होते हैं, यानी शेर के मुकाबले यह केवल 1/4 होते हैं। चीते का वजन 70 से 55 किलोग्राम के बीच होता है। इसके सर की बनावट भी इसे तेज भागने में काफी मदद करती है। इसका सर ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है और आगे की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त हवा का चीते पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। यह आसानी से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है।
यह दौड़ते समय बड़ी बड़ी छलांगें लगाता है। इसकी फुल स्पीड की एक छलांग लगभग 23 फीट की हो सकती है, यानी एक छलांग में 23 फीट की दूरी तय कर सकता है। चीते के शरीर की बनावट और छलांग ही इसे इतना तेज दौड़ने में माहिर बनाती है। यह अकेला जीव किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकता, इसलिए यह अकेले होने पर छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं। जब यह झुंड में होता है तो बड़े जानवरों का शिकार करने में भी पीछे नहीं हटता। चीते ज्यादातर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं ताकि आसानी से किसी का भी शिकार किया जा सके। साथ ही अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका ग्रुप में होना जरूरी होता है। चीते के बच्चे बड़ी ही मुश्किल से वयस्क होने तक जीवित रह पाते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है इनके विलुप्त होने की। एक सर्वे में पता चला है कि चीते के 85% बच्चे वयस्क होने के पहले ही मर जाते हैं। दोस्तों, यह बात तो सही है कि यह जीव काफी कम मात्रा में ही जीवित है, जो अफ्रीका और ईरान के कुछ हिस्सों में ही बचे हुए हैं, और अब भारत के मध्य प्रदेश के कोनू पार्क में भी इन्हें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अब सभी को मिलकर इन्हें बचाने का प्रयास करना होगा, नहीं तो कुछ ही सालों में पूरी पृथ्वी से यह खूबसूरत प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास काफी सराहनीय है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।